सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल कलदम करार देने के खिलाफ अपील पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत जारी है। अदालत ने ख्वाजा हारिस को वजारत दिफा की जानिब से दलाल देने की इजाजत दे दी है। सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल कलदम करार देने के खिलाफ अपील पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत। अदालत ने ख्वाजा हारिस को वजारत दिफा की जानिब से दलाल देने की इजाजत दे दी है। तफसीलात बताएंगे इकरामुल्ला जोया। जी इकराम बताइए। देखिए सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त खुफिया अदालतों में सिविलियंस के केस का ट्रायल जो है उस हवाले से इस वक्त समाप्त हो रही है। इसमें आज जैसे शाहिद फरीद की जानिब से रिमांड आए कि क्या फर्द जुर्म से फर्द जुर्म है उससे पहले केस ट्रांसफर हो सकता है केस फर्द जुर्म से कबल जो है या बाद में बाद गिरफ्तारी हो उसके वक्त भी ट्रांसफर किया जा सकता है। जैसे शाहिद जैसे मोहम्मद अली मजहर की जानिब से ये सवाल पूछा गया जबकि ख्वाजा हारिस ने जो है वो जस्टिस जमाल मुदक्किल ने ख्वाजा हारिस को हिदायत की कि केस का दायरा इख्तियार के हवाले से भी आगाह करें और इस वक्त जो है वो अपील में अटॉर्नी जनरल को सुना जाए और अटॉर्नी जनरल ही दलाल देंगे। कोर्ट के पास मेरी दरख्वास्त पर फैसला करने का इख्तियार है। अदालत फैसला करे कि अपील पर प्राइवेट वकील दलाल देगा या नहीं। वकील फैसल सिद्दीकी जाने से मौके इख्तियार किया गया जिस पर जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा कि फैसले में था कि प्राइवेट वकील फीस लेते हैं इसलिए इन्हें हुकूमती नुमाइंदगी से मना किया गया था। फैसल सिद्दीकी की जानब से कहा गया कि अटॉर्नी जनरल को लिखकर देना होता है कि इनके पास मुतलका महारत नहीं है और फैसले के मुताबिक अटॉर्नी जनरल के पास। ठीक है, बहुत शुक्रिया इकरामुल्ला।